In my YouTube channel, Amit Gupta Drug Pharmacology. Today we are discussing about the anti-anxiety drugs. आज हम anti-anxiety drugs को discuss करेंगे. इससे पहले हमने benzodiazepine derivatives compound देखे थे, phenobarbital derivative compound देखे थे. These are also compound are used in the treatment of anxiety and reduce the excess hyperactivity of brains की hyperactivity को suppress करते हैं. तो एंटी एंजाइटी क्या है? तो एंटी एंजाइटी या दोज ड्रग्स आर यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ एंजाइटी. एंजाइटी मतलब क्या है? बहुत ज़्यादा चिंता करना, बहुत ज़्यादा फ्यूचर को लेकर एग्रेसिव रहना, जिस वजह से हमारे कुछ जीआईटी सिम्टम्स होते हैं और बिहेवियर सिम्टम्स होते हैं, वो अफेक्टेड होते हैं. वो डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए हम एंटी एंजाइटी ड्रग्स का यूज़ करते हैं. तो स्टार्ट करते हैं एंटी एंजाइटी ड्रग्स. These drugs are used in the treatment of anxiety disorders. तो पहले हम ये देखेंगे कि anxiety क्या है. It is a emotional state unpleasant in nature associated with uneasiness, discomfort and concern or fear about the defined undefined feature treated. यानी कि ये एक emotional state है जिसमें क्या होता है कि unpleasant nature हो जाता है व्यक्ति का, व्यवहारिक जैसा normal behavior नहीं कर पाता है और उसे अपनी लाइफ में सर्वाइव करना आसान नहीं लगता. अनइजीनेस होता है, डिसकम्फर्ट एंड कंसर्न और अपने आप को डिसकम्फर्ट फील करता है. फियर अबाउट द सम डिफाइंड अनडिफाइंड फ्यूचर और ट्रीटेड, उसको अपने आने वाले टाइम से देखकर उसे बहुत ज़्यादा डर लगता होता है, भविष्य को देखकर बहुत ज़्यादा चिंतित होता है. अगर मैं आपको सिंपल एग्जाम्पल दूँ एंजाइटी का, देखिए किसी बच्चे ने एग्जामिनेशन दिया है, एग्जामिनेशन देने के बाद में उसका रिजल्ट अब आने वाला है. अब रिजल्ट को लेकर वो बहुत ज़्यादा चिंतित है. उसकी भूख प्यास भी इफेक्टेड हो गई है, उसका व्यवहार भी इफेक्टेड हो गया है. तो वो क्या है? एंजाइटी है, तनाव है. अगर वो इस कंडीशन में बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाएगा तो सुसाइड कंडीशन तक पहुंचने जाती है. तो ये क्या है? एंजाइटी. यानी कि सिचुएशन जो जिस आने वाले फ्यूचर को देखकर जो हमारे माइंड में किसी चेंजिंग जो हो रहे हैं, अगर उसको डर को लेकर जो चेंजिंग हो रहे हैं, उसके कारण जो इमोशनल चेंजिंग या हमारे बिहेवियर चेंजिंग होती हैं, उस कंडीशन को हम एंजाइटी बोलते हैं. ठीक है. सम डिग्री ऑफ एंजाइटी इज अ पार्ट ऑफ नॉर्मल लाइफ की पार्ट होता है हमारा, कि हमें पता है कि हमने पेपर दिया है, एग्जाम दिया है, तो उसका रिजल्ट आएगा. तो रिजल्ट में थोड़ा सा डर तो लगता ही है, लेकिन अगर ये किसी को डर को ज़्यादा ही लगने लगे, उसका इतना डर बढ़ जाए कि जिसके कारण उसके जीआईटी सिम्टम्स अफेक्टेड हो जाएँ, बिहेवियर सिम्टम्स अफेक्टेड हो जाएँ, और तो वो पेशेंट क्या होता है, एंजाइटी का पेशेंट में चेंज हो जाता है. द ट्रीटमेंट इज नीडेड व्हेन इट डिसएप्रोप्रिएट टू द सिचुएशन और एक्सेसिव. जब ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा डिसएप्रोप्रिएट मतलब क्या है, डिसअपॉइंटेड हो जाए, जिसको हम रेगुलेट ना कर पाएँ और बहुत ज़्यादा तेज, बहुत ज़्यादा बढ़ जाए इस तरह की सिचुएशंस, तो उस सिचुएशन में हमें एंटी एंजाइटी ड्रग की ज़रूरत पड़ती है. क्लासिफिकेशन की बात करें तो इसमें कौन सी ड्रग यूज़ होती हैं? बेंजोडाइजेपिन्स, डाइजीपाम, क्लोरोडाइजीपॉक्साइड, ऑक्सीपाजाम, लोरजीपाम, हेल्पराजोरम, ये सब मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, तो वहाँ से आप देख सकते हैं. बेंजोडाइजेपिन जो पढ़ाई थी वो सभी ड्रग यही हैं. तो वो किस तरह ट्रीटमेंट में, किस तरह फार्माकोलॉजी होती है, पूरी फार्माकोलॉजी आपको बेंजोडाइजेपिन पढ़ा चुका हूँ. इसके बाद क्या आता है? एजापिरोन डेरिवेटिव्स होते हैं, बिसपिरोन, जीपिरोन, इसपिरोन, ये आपके यूज़ होते हैं. इसके अलावा सेडेटिव एंटीहिस्टामिन ड्रग्स हैं जैसे हाइड्रोलाजिन, वो यूज़ होती हैं, और बीटा ब्लॉकर भी यूज़ होते हैं, प्रोपेनोलॉल जो आपको पढ़ा चुके हैं. तो यहाँ पर मैं आपको डिस्कस करूँगा तो केवल एजोपायरोन डेरिवेटिव यानी बेंजोडाइजेपिन को डिस्कस करूँगा. फिर बेंजोडाइजेपिन की फार्मोलॉजी मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ. सेडेटिव एंटीहिस्टामिक की मैं आगे आपको पढ़ाऊँगा. जब आप एंटीहिस्टामिक ड्रग पढ़ेंगे तो उसमें आपको देखेंगे. इसके बाद बीटा ब्लॉकर आप पढ़ चुके हैं, तो आज स्टार्ट करते हैं हम एजोपायरोन यानी बेंजोडाइजेपिन के लिए. ठीक है. इट इज़ द फर्स्ट एजोपायरोन डेरिवेटिव कंपाउंड यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ एंजाइटी. एंजाइटी में यूज होने वाला ये फर्स्ट डेरिवेटिव कंपाउंड है. क्या करते हैं ये? मोड ऑफ एक्शन क्या होता है? बेंजोडाइजेपिन सेलेक्टिवली पार्सियल एगोनिस्ट ऑन 5ST1A रिसेप्टर. 5ST1A रिसेप्टर पर पार्सियल एगोनिस्ट उस रिसेप्टर को एक्टिवेट कर देते हैं. और बेंजोडाइजेपिन हैज ए वीक डोपामिन D2 रिसेप्टर ब्लॉकिंग एक्शन. डोपामिन D2 रिसेप्टर होता है, उसको ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो सिम्टम्स होते हैं वो एंजाइटी के कम हो जाते हैं. ठीक है. फॉर्मुलेशन की बात करें, डज नॉट प्रोड्यूस सेडेशन एंड कन्फ्यूजन सेडेशन प्रोड्यूस नहीं करते हैं, जैसे कि बेंजोडाइजेपिन या बारबिट्यूरेट के साथ में था. इट डज नॉट इंटरेक्ट विद द गाबा रिसेप्टर. गाबा रिसेप्टर इंटरेक्ट भी नहीं होते हैं, जैसे हमने बेंजोडाइजेपिन डेरिवेटिव ड्रग्स की देखी थी. इट डज नॉट प्रोड्यूस ए फिजिकल डिपेंडेंस प्रोड्यूस नहीं करते, जैसे हमने बारबिट्यूरेट में देखा था, ये इसमें कंडीशन नहीं होती है. इट रिलीव द सिम्टम ऑफ एंजाइटी एज अ थेरेपेटिक डोज में ये एंजाइटी सिम्टम को रिलीव कर देते हैं. साथ में इट डज नॉट प्रोड्यूस ए मसल रिलैक्सेशन एंड एंटी कॉन्वुलेशन एक्शन भी इसके अंदर नहीं होता है. ये कह सकते हैं ये सिंपली ड्रग यह है
वो केवल एक ही टाइप की ट्रीटमेंट में यूज़ होती है, वो क्या है, एनजाइटी, और इसके साइड इफेक्ट भी ना के बराबर होते हैं। एडीएमए की बात करें तो रैपिडली ऑब्जर्व ऑन द ओरल रूट से आसानी से ऑब्जर्व हो जाती है, मेटाबोलाइज लिवर में होती है और यूरिन के थ्रू बाइल के थ्रू बॉडी से बाहर एक्सक्रीट आउट हो जाती है। एडवर्स इफेक्ट की बात करें, नोजिया हेडेक में भी प्रोड्यूस विद इन द एनजाइटी थेरेपी, अगर किसी को एनजाइटी थेरेपी हम दे रहे हैं तो हो सकता है उसको नोजिया हेडेक की प्रॉब्लम हो। यूज़ की बात करें, इट इज ओनली यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ एनजाइटी डिसऑर्डर, एनजाइटी डिसऑर्डर के लिए केवल यूज होती है। ठीक है, तो ये कंप्लीट हुआ आपका एंटी एनजाइटी, छोटा सा टॉपिक था, एंटी एनजाइटी ड्रग्स टॉपिक थोड़ा बड़ा है, तो बेंजोडाइपिन्स की स्थिति बहुत होती है, बेंजोडाइपिन्स को आप वहाँ से दे सकते हैं। ठीक है, अगर वीडियो समझ में आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स जरूर पूछिएगा, और आपको लगता है कि ये वीडियो किसी को शेयर करने पर उसकी हेल्प हो सकता है तो उसको जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आपने तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डक के साथ मिलती हैं, तब तक के लिए थैंक यू।